कुछ भक्त आते हैं, दीदी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो हम पूछते भैया पूजा पाठ करते होगा? तो भक्त कहते नहीं मात दीदी, हम नहीं करते, वो हमारे घर वाली कर लेती है, वो खूब पूजा पाठ करती है। अब महाराज घरवाली तो कर लेती, पर तुम करते को नहीं करते? कई बार रह जाते एक थोड़ी सी वो विडंबना मानो, कुछ भी मानो, इस शंका में रह जाते कि हाँ हमारी पत्नी पूजा पाठ खूब करती तो उसका फल हमें भी मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। भाई भूख पत्नी को लगी, भोजन पत्नी ने कर लिया, क्या तुम्हारी भूख मिट जाएगी? भोजन तो आपको भी करना पड़ेगा। कई बार ये सुनने को मिलता है कि हमारी पत्नी ने कर लिया, महाराज हम तो ऐसे ठीक है। मैंने कहा आप क्या करते? बोले हम काम संभालते हैं बाहर का। तुम बाहर का काम तो संभालते हो, लेकिन पूजा पाठ भी जरूरी है। अब क्या हुआ, समय के अनुसार वो पत्नी पति दोनों की मृत्यु हो गई, पहुंचे पति देव को नरक मिला, पत्नी को स्वर्ग मिला, और पति वहां मुंह फुलाए बैठा, बोलो क्यों महाराज? बोला क्या बात? बोले हमारी पत्नी ने खूब पूजा पाठ करी थी, उनको स्वर्ग मिल गया और हमें नरक मिल गया। बोले कैसे? बोले वो बोलती थी कि मैं आपके हिस्से की भी पूजा करती हूं। बोला वो बोलती थी कि मैं आपके हिस्से की भी पूजा पाठ कर लेती हूं। पर महाराज ऊपर किसी का हिस्सा नहीं चलता, ऊपर तो वही चलता है, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही मिलता है। वो थोड़ा सा मारवाड़ी में बोलते हैं कि स्वर्ग भी नहीं मिले जिन्हें मरनो पड़े। स्वर्ग चाहिए तो मरनो पड़सी खुद नहीं, और दूसरों मरे तो खुद ने स्वर्ग नहीं मिले। कई बार हम सोच लेते ना कि भैया मर तो वो जाए, स्वर्ग हमें मिल जाए तो नहीं मिलेगा। स्वर्ग चाहिए तो खुद को ही मरना पड़ेगा, और वैसे कर्म भी करने पड़ेंगे। तो राधे नाम का धन ये तो कमारी जोर शोर से लगी हुई है, तुम्हें भी कमाना है। ये नहीं पूरे दिन तो फोन में लगे हुए थे, भैया ड्यूटी का टाइम हुआ, लो अगरबत्ती लेके मंदिर आके जय राम सीताराम, और वो भगवान जी उठकर चले नहीं आने के लिए, उससे पहले तो तुम वापिस मुड़ गए। जल्दीबाजी में कई बार देखते नहीं हो, स्नान किया तुरंत अगरबत्ती लेके, लो लो सीताराम सीताराम, वो मंदिर तक पहुंच रहे उससे पहले वापिस। अब भगवान जी उठ कर आएंगे, बैठेंगे तुम्हारे लिए, खाली थोड़ी बैठेंगे भैया, वो तैयार है, यहाँ तुम आइए हम तैयार है। तो ये राधे नाम का धन आपको भी कमाना है। शास्त्र कहता है 24 घंटे में से 12 घंटे पूजा पाठ कीजिए, 12 नहीं तो 6 कीजिए, और 6 नहीं तो 3 कीजिए, 3 नहीं तो 1.5 कीजिए, और अंत में भगवान ने कहा रे मूर्ख कम से कम तू मेरा नाम ही ले ले, तेरे पास समय तो नहीं है लेकिन कम से कम मेरा नाम ही ले ले। लेकिन आप धन के पीछे इतने भी मत दौड़िए कि भगवान के लिए आपके पास समय नहीं है, आधा पौना घंटा उसको भी दीजिए। ये आधा पौना घंटा उसको भी दीजिए, भगवान को भी, क्योंकि आपका आना ही इस धरती पे, इस धराधाम पे इसलिए हुआ है कि आप कुछ भगवान का सुमिरन कर लें।